शुभ सवार स्टूडेंट, एमएस स्कूल में आप सबका स्वागत है। आप कक्षा 8 से कक्षा 9 में प्रवेश कर चुके हो, तो सबसे पहले आप सबको अभिनंदन। और हम सब जानते हैं कि कोई भी अच्छा कार्य हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं। जैसे जैसे आप भी हर रोज स्कूल आते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, तो कि प्रार्थना करते हो, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई है वो शुरू करते हैं। तो हम भी अपने कक्षा 9 के हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें हमारा पहली ही कविता है, वो है आराधना। आराधना यानी प्रार्थना, ईश्वर को जो हम प्रार्थना करते हैं वो, जिसके कवि है बसंत बापट और उसका साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। इस जो कविता है उसमें क्या कहा गया है, वैसे ही हम सब जानते हैं कि हम जब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम सबसे क्या करते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे याद चाहिए, मेरी उसमें हेल्प कर देना। मतलब कि हम अपने ही बारे में और अपने लिए ही हम मांगते हैं। पर यहाँ पे जो हमारे ये कवि है बसंत बापट, उसने है तो हमारे दुनिया में बहुत सारे ऐसे दीन दुखी लोग है, उसका दुख दूर हो जाए, बहुत सारे ऐसे भेदभावों से पड़ी जो दुनिया है वो सब भेदभाव, गरीब तवंगर का, ऊंच नीच का, वो सब भेदभाव दूर हो जाए। मतलब कि वो जब भी प्रार्थना, इसने ये प्रार्थना के द्वारा बस यही कहा गया है कि वो अपने निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए और लोगों के जो दुख दर्द है वो सब दूर हो जाए और सब मिलकर एक पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह रहे, ऐसा है इस कविता में बताया गया है। तो चलो इस कविता का हम अभ्यास करते हैं, जो कविता का नाम है आराधना यानी प्रार्थना। काव्य एक आराधना, जो लिखी गई है बसंत बापट के द्वारा, जिनका जन्म हुआ है 1922 और उनका निधन हुआ है 2002 को। हमारे जो ये कवि है उनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। श्री बसंत बापट ख्यातनाम कवि है, बहुत फेमस यानी प्रसिद्ध कवि है। उनका जो जन्म हुआ है महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। उनकी कर्मभूमि मतलब काम करने की जो भूमि है, जहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया था, वो है उनकी पुणे। राष्ट्र सेवा दल में वह अग्रणी यानी मुख्य रहे हैं। व्यवसाय से वह प्राध्यापक रहे और उनकी जो भी रचनाएं हैं, काव्य है, उसमें से हमें राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएँ देखने को मिलती है। सेतु, बिजली, सकीना, अकार विदिशा, तेजसी आपकी रचना है, मतलब कि उनके द्वारा जो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए। आज की हमारी जो आराधना यानी जो प्रार्थना है उसमें क्या कहा गया है, तो कि उसमें है हमारे जैसे दीन दुखी लोग हैं उनकी रक्षा करना, मानवता की उपासना यानी प्रार्थना करना, फिर बहुत सारे ऐसे भेदभाव है जो हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, शत्रुता भाव है, तो वो सब दूर होके उन सब से हम लोग मुक्त होके विश्व बंधुत्व, कि हम सब पूरा विश्व एक साथ एक कुटुंब की तरह रहे, ऐसी विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, ऐसे वैश्विक मूल्यों को है इस प्रार्थना के द्वारा हमें ऐसे वैश्विक मूल्य है वो देखने को मिलते हैं। यह जो प्रार्थना है वो मराठी से अनुदित है। तो चलो सबसे पहले हम ये प्रार्थना गाएंगे और उसके बाद में यह प्रार्थना का मतलब है वो भी हम समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थे पुरुषों की साधना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, भेद सभी
अस्त होवे वेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो अब हम इस आराधना काव्य का अर्थ समझते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी मन रूपी मंदिर, सत्य सुंदर मांगल्य मतलब कि कल्याण की भावना, मतलब किसी के लिए अच्छा सोचा, नित्य यानी हमेशा। तो इस जो पहली दो लाइन है उसमें हमारे जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि मेरी सिर्फ यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से शिव सुंदर की सुंदरता की आराधना हो, और लोग है वो सच्चाई के मार्ग पर चले और मन में उनके मन में अच्छे विचार आए और सब एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से रहे और एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचे। दूसरा देखते हैं, दुखियारों का दुख जाहे है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। कि बहुत सारे ऐसे दुखी लोग हैं हमारे यहाँ पे, तो उनका जो दुख है वो दूर हो जाए ऐसी मन से कामना, ऐसे मन से इच्छा है। और वेदना यानी दुख, परखना यानी पहचानना, संवेदना यानी सहानुभूति। तो के लोग एक दूसरे की जो पीड़ा है वो दुख है उसका अनुभव करे और एक दूसरे का दुख दूर करने का प्रयत्न करे। और जो दुर्बल लोग है, दुर्बल यानी कि जो कमज़ोर लोग है, उसकी रक्षा के लिए उनमें पौरुष उसकी शक्ति या साहस का भी उपयोग हो, ऐसी प्रार्थना हमारे जो कवि है वो ईश्वर से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, शैर्य पावे धैर्य पावे है यही है अभ्यर्थना। कि नव तेज यानी नया प्रकाश, अंतरंग यानी हृदय, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कवि कहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, जीवन में नव तेज हो मतलब कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, अंतरंग में भावना मतलब कि हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आश हो मानवता की उपासना, सबके मन में सुंदर आश यानी आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे, और सभी लोग है उसमें शौर्य यानी सुरवीरता अथवा बहादुरी, और धैर्य यानी धीरज हो, यही बस है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना मतलब के यही से प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। आज हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भेदभाव है जो देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऊंच नीच का, गरीब अमीरी का, ऐसे बहुत सारे ऐसे भेदभाव है। तो हमारे कवि की इच्छा यही है कि मनुष्यों के बीच जो भेदभाव है वो सब भेदभाव कैसे है, तो कि अस्त होवे यानी दूर हो जाए, वैर यानी क्या, तो कि शत्रुता, और वासना यानी इच्छा मतलब कि बुरे जो विचार है। तो हमारे जो कवि है वो कहता है कि किसी को किसी से कोई किसी भी तरह की शत्रुता या किसी भी तरह का कोई बैर ना हो, और लोगों के अंदर जो बुरी इच्छाएं रहती है, बुरे जो विचार होते हैं, वो सब विचार भी नष्ट हो जाए, और हमारे सब मिलके हम लोगों ने जो मानव की एकता, कि हम सब मानव एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहे, ऐसी जो हमारी जो कल्पना है वो कल्पना भी पूर्ण हो, सब मानव है वो एकता का अनुभव करे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, और मुक्त यानी हम सब स्वतंत्र, और बंधुता यानी कि भाईचारा के साथ रहे, एक ही साथ हम सब मिलजुल के सब तरह के भेदभाव भूल के, सब तरह के शत्रुता के भाव भूल कर हम सब एक साथ मिलकर रहे, भाईचारे से एक साथ मिलकर रहे, बस यही कामना की यही इच्छा करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि हमारी पूरी प्रार्थना में कवि ने सब के बारे में सोचा कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहे। थैंक यू।